अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप को लेकर एक मौलाना ने एक बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया है, जिसके बाद हर न्यूज़ चैनल के ऊपर वो बयान जो है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल किया जा रहा है और साथ ही साथ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसी कौन सी बात कह दी उस मौलाना ने जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम जानते हैं कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कतर में हो रहा है और कतर ने जिस तरह से फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी की, यकीनन वो लाजवाब है। यानी बाकी कंट्रीज़ के अंदर अगर फीफा वर्ल्ड कप हुआ करता था तो 20 से 25 मिलियन के अंदर ही वो तमाम चीज़ें हो जाया करती थी, लेकिन इस मरतबा फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कतर के हाथ में था और कतर की गवर्नमेंट ने करीब 200 मिलियन तक इसके लिए खर्चा किया है। आपको बता दूं, यहाँ तमाम वो चीज़ें देखने को मिली जो कि मजहब इस्लाम के अंदर मानी जाती है, यानी प्यारे आका की सुन्नत पर अमल करते हुए लोगों को इतर बांटे गए, खुशबू लगाया गया और बेपर्दा औरतें जो थी उनको हिजाब बांटे गए ताकि वो बेपर्दगी से वहाँ ना बैठे, और साथ ही साथ लोगों को कुरान शरीफ की आयतें सुनाई गईं, प्यारे आका की हदीस मुबारक जगह जगह पर लिखा गया ताकि लोग उनको पढ़ सकें। कुल मिलाकर लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, लेकिन इसी बीच एक मौलाना ने एक ऐसी बात कह दी कि जिसके बाद हर न्यूज़ चैनल के ऊपर इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दूँ, मिस्र के मौलाना ने यह बात कही कि फीफा वर्ल्ड कप जो है वो वक्त की बर्बादी है और साथ ही साथ रोनाल्डो और मेसी जो हैं वो इस्लाम के दुश्मन हैं। दरअसल रोनाल्डो ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपने बच्चों की माँ से ही शादी करेंगे, यानी शादी से पहले ही उन्होंने जिना कर लिया था जो कि मजहब इस्लाम के अंदर हराम है, और इसी बात को लेकर उन मौलाना ने यह बात कही कि ये इस्लाम के दुश्मन हैं, इनके कल्चर को देखते हुए कहीं मुसलमान जो हैं इनको फॉलो ना करने लगें। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, इसी चीज़ को लेकर मौलाना ने यह बात कही थी और ये चीज़ जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। हर न्यूज़ चैनल के ऊपर मुसलमानों को अब टारगेट किया जा रहा है। अब हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है। वीडियो पसंद है बिल्कुल लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।